गाइस 9 बजे सोकर उठने वाली लड़की को आज जगाया रहा है सुबह के 6 बजे, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आज है अनुज का बर्थडे, तो सबको परेशान करके रखा है, 6 बजे से ही परेशान कर रहा है कि सब जन उठ जाओ, मेरा आज बर्थडे है, कोई उठ नहीं रहा है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अनिताज रूटीन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा करते एकदम मस्त और भले चंगे होंगे। आज तो संडे का दिन है, सब है मज़े से घर पे दोस्तों। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा, सुबह में तो एक बार बन गया था मेरा नाश्ता, लेकिन अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, तो अभी सब लोग का मन है तो कुछ ऐसा चीज़ खाया जाए, हल्का फुल्का खाने का है। तो मुझे समझा कि आज मैं बहुत दिन के बाद ये रेसिपी शेयर करूँ आपसे और बनाऊँ भी बहुत दिन के बाद, कम से कम बीच में तो कभी कभी बनाई भी थी। ये है दाल दूल्हा, सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। मैं बना रही हूँ ये तूर दाल, मैंने धोकर कुकर में डाल दिया था, इसमें नमक हल्दी और थोड़ा सा क्या अपना आता है ना खटाई खटाई का मसाला, वो डाल दिया था मैंने। और आटे को नरम नरम गूंद के उसकी थोड़ी छोटी छोटी लोई जैसा बना के अपने हिसाब से डिज़ाइन वगैरह कुछ भी बना के डाल दीजिए उबलते हुए दाल में, तो बहुत बढ़िया फटाक से पक जाता है दोस्तों। 10 मिनट लगता है और फटाफट नाश्ता जैसे बन जाता है दोस्तों। जब हम लोग गांव में थे बहुत पहले रहती थी, तो फिर जब जैसे दोपहर का खाना होने के बाद से कभी कभी मेरे ससुर जी थे तो उनको भूख लगती तो चिल्लाना स्टार्ट करते थे, खाना उनको भूख सहन नहीं होता था। तो मैं क्या करती थी, जल्दी से दाल डालने के बाद इसी में आटा सान के डाल देती थी, तो जल्दी से बन जाता, बड़े चाव से खाते भी थे, उनको बहुत पसंद आता था, मतलब सब भी खा लेते थे। तो यहाँ भी अभी वही है, बच्चे लोग भी मेरे खाते, मैं मेरे मिस्टर सब खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने बना लिया है और तड़का भी थोड़ा सा लगा देती तो इसमें और भी टेस्ट अच्छा आ जाता है इसमें। ये देखिए, हेल्दी भी, अच्छा भी और झटपट भी, सब बन जाता है, फटाफट हो जाता है। ये बन के रेडी हो गया दोस्तों। और सुबह से अनुज बहुत परेशान कर रखा है कि उसको मॉल जाने का है, उसका बर्थडे है तो मॉल जाने का है, मॉल से क्या मालूम क्या ख़रीदने वाला है। तो दोस्तों मुझे निकलना है और हम लोग खा पी के वही बस निकल गए थे मॉल के लिए, और थोड़ी थोड़ी बारिश थी लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो रुकने ये हुआ कि अभी ऐसा रुकेंगे तो टाइम हो जाएगा शाम को, क्योंकि इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था। तो हम लोग चले गए, निकल गए थे मैं और अनु, जिनके पापा गए थे, और अंजलि आंचल नहीं गई थी, उन दोनों घर पे ही थे। तो हम लोग निकले और अभी यहाँ से रिक्शा पकड़ के सीधा हम लोग डीमार्ट के लिए निकल जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर पे है, कम से कम 5-7-8 मिनट लगते हैं रिक्शे से। हम लोग को अच्छा हुआ तो उनका रिक्शा भी मिल गया था, तो हम लोग निकल गए थे दोस्तों। और आज मम्मी पहुँच गए हम लोग, तो हम लोग पहुंच गए थे। अनुज भी लाइन में खड़ा हो गया है, बैग कैसे थैला वगैरह हम जब लाते हैं ना तो ये लोग उसको सील करके देते हैं ताकि कोई कुछ चुरा ना ले, तो लाइन में लग गया है। हम लोग 2 छाता भी लाए थे, तो छाता भी वहाँ पे जमा करना था, तो फिर वो सील मार के हमको दे दिया। और इधर हमारा छोटा सा पर्स था, हैंड पर्स मैंने लिया था, उसमें भी उसने सील मार दिया, उसको भी नहीं छोड़ा। तो फिर हम लोग चले गए हैं अंदर मॉल के, अभी देखना है क्या क्या ख़रीदारी करते हैं। वैसे मुझे वो ज़रूरत नहीं थी ऐसे जाने का, लेकिन फिर भी जाने के बाद क्या चाहिए थोड़ा बहुत है जाती है दोस्तों। और चलिए देखते हैं हम लोग क्या ख़रीदते हैं। क्या ले रही हो मम्मी? 4 डब्बे मैं
हमने ना जो भी शॉपिंग कर ली थी तो काउंटर पे आ गए थे, और काउंटर पे नंबर लगाने के बाद वो अपना सामान का बजट देख रहे थे कितना हुआ, और फिर हम लोग काउंटर से जल्दी जल्दी सामान पैक करवा लेंगे क्योंकि बहुत हम इतना थक गई थी चल नहीं पा रही थी, लेकिन और ऊपर से बर्थडे भी था शाम को, फिर बहुत थक गई थी। और कुछ सामान तो थोड़ी थी, बेडशीट वगैरह मुझे देखना था, थोड़ा मन किया लेकिन जाने का मन नहीं किया, थक गई मैं बहुत। तो फिर लास्ट में हम लोग निकल आए बाहर, और यदि अनुज आइसक्रीम ख़रीदा तो नीचे गिरा दिया दूसरी बार, फिर वापस से लिया। फिर हम लोग ने चले आए और शाम हो गई थी दोस्तों, 6 बज गया था। तो अच्छा हुआ कि हमें रिक्शा तुरंत का नीच बाहर जैसे ही आए हमको 2 मिनट में रिक्शा मिल गया, और हम 10 मिनट लगा रास्ते में, रास्ते रिक्शा मिला तो हम आ गए थे घर पे। ज़्यादा दूर पे नहीं हमारे घर से, 2-3 किलोमीटर होगा, लेकिन अभी पैदल तो कोई नहीं जाता। तो फिर हम लोग आ गए थे अपने घर पे, अभी सामान निकाल रहे हैं रिक्शे से, और बारिश तो बंद है अभी दोस्तों। ये मॉल मतलब कभी भी ज़रूरत नहीं है जाने के बाद, तो बिना मतलब का खर्चा हो जाता है, 2000-3000-4000 तो हो ही जाता, कुछ ना कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं तो खरीद। ले ए भाई, बर्थडे तो अभी टाइम है, भीड़ भाड़ अभी से है। हाँ फाइनली गाइस हम लोग घर पे आ गए, लेकिन बहुत थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो गाइस ये देखिए पोछा वगैरह भी मेरे घर पे अभी 3-4 पड़ा था, लेकिन वहाँ पे देखने के बाद ले लिए, इतना सारा सामान हो गया। और प्लस कपड़े भी, इन्होंने 2 जीन्स लिए और फिर ये टी शर्ट लिए, लड़की लोग के लिए भी मैंने 2 टी अपना ऊपर का क्या बोलते हैं उसको यार, ये लोग जो पहनती हैं क्रॉप क्या तो है, वो ली थी मैं, 2 पसंद कर ली थी। और इतना सारा सामान बिना मतलब का, ज़रूरत तो ज़्यादा नहीं था फिर भी ले लिया हम लोगों ने। तो वापस से किचन में आ गए दोस्तों, कुछ बनाने का नहीं मन कर रहा था। अच्छा वो आँचल ना बहुत सारा हेल्प कर दी थी, वो बना ली थी, तो पूरी बना था और पनीर की सब्ज़ी बनी थी, और थोड़ा ज़ीरा चावल बना था, कुछ बनाने का तो मन ही नहीं हो रहा था। मैं तो बहुत इतना ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा था, तो मन कर रहा था मेडिसिन ले लूँ कुछ भी, लेकिन लिया नहीं। और यहाँ पर मैं चावल बना देती हूँ, तड़के लगाती थी थोड़े खड़े मसाले के, स्मेल अच्छा आने लगता है उसमें चावल में, तो मैं जीरा राइस बना रही हूँ। और अनुज के दोस्त हैं 2-3 जन, वो भी खाने वाले थे खाना, तो पर खाना खिलाने का तो बहुत बच्चे हैं, थोड़ा खिलाती मैं सबको, लेकिन इतना थकने के बाद मन नहीं किया कुछ बनाने का, मीठा भी नहीं बनाई। गुलाब जामुन पाउडर ला के रखी थी तो सोची थी बनाऊँगी, लेकिन वो भी नहीं बना, वो भी पड़ा रह गया। तो फिर अभी चावल बना देती हूँ, आंचल पनीर बनाएगी और पूरियां बना लेंगे हम लोग मिलके। दोस्तों जब भी कभी कोई फंक्शन कुछ भी पार्टी वगैरह होता है ना, तो एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हम करने निकल जाते हैं तो थकान तो उसी में आ जाता, फिर मन नहीं लगता, पूरी थकान निकलने के बाद ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। और बच्चे लोग तो जुट के इतना हंगामा पहले से ही कर रहे थे, तो छोटा सा घर है, वैसे मतलब मन नहीं रहा था इतना सब करने का, लेकिन इसके दोस्त लोग भी बहुत तंग कर रहे थे, अनुज बर्थडे नहीं मनाएगा, बर्थडे नहीं मनाएगा, ऐसे करो ऐसे करो, वो ये लोग भी ज़्यादा भी जिद पे आ गए थे। तो फिर हमने किया थोड़ा छोटे में, वैसे 10-12 बच्चे आके हम लोग ने बर्थडे मना दिया था, वैसे कुछ भी सजावट ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने। अनुज के फ्रेंड्स लोग थे 3-4 लोग, जो उसके बेस्ट फ्रेंड आते हैं वही लोग ज़्यादा थे, और बलून वगैरह वही सब फुला फुला के सजाए जाए थे, जो उन लोग का मर्जी किया, बल्कि ये लोग बलून खुद ही गए थे लेने जीत करके कि आंटी हम लोग बलून ला के सजाएँगे अनुज के बर्थडे में। तो ये बच्चे लोग भी गए, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं इधर हमारे, इधर बहुत अच्छे हैं सब, अनुज के बेस्ट फ्रेंड हैं। और ये लोग भी थे शाम से ही हमारे घर पे थे, ये लोग भी सजाए वगैरह, ये लोग खाना वाना खा के गए थे फिर रात में।
अभी तो दोस्तों ये सारे बच्चे लोग इतना हंगामा कर रहे थे, थोड़ा शांत हुए फिर वापस, और फिर हम लोग ने बर्थडे स्टार्ट किया बनाना, क्योंकि टाइम कितना और 9:30 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गया था। तो बच्चे लोग भी जिद करने लगे, आंटी हमें भी तिलक लगा दो, चंदन अनुज को लगाए तो मुझे भी लगा दो, तो मैं बोली सारे बच्चों को लगा देती हूँ। तो सब बच्चों ने उससे लगवाया और बहुत बहुत इंजॉय कर रहे थे सारे बच्चे। मतलब बुलाती तो बहुत सारे बच्चे हैं बिल्डिंग के, लेकिन इतने सारे लोगों में मैंने बर्थडे इंजॉय कर दिया, अनुज भी खुश हो गया और अच्छा हुआ, ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। बस इतने में अपना बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट कर दिया है दोस्तों। अनुज की तबीयत बहुत दिन से थोड़ा सही नहीं चल रही थी, अभी ठीक है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड करूंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कल के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें।